अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल खापा। आज मैं आपको ज़बरदस्त सा पुलाव बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी, बहुत क्विक और बहुत ईजी रेसिपी है। जल्दी से बन जाता है, फटाफट और बहुत ही लजीज बनता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक होल चिकन ले ली है, जो कि नॉर्मल मीडियम साइज़ के बोटी कट में कटी हुई है। 3 प्याली चावल हैं, बासमती राइस हैं, इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रखा है। ये वो सारा साबुत सामान है जो यखनी बनाएंगे उसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हम चिकन की यखनी बनाएंगे, उसके अंदर ये सामान जाएगा। इसमें 5 हरी मिर्चें हैं, 1 लहसुन है पूरी, ऐसे लहसुन की पूरी पोती, इसको मैंने धो के और ऐसे बीच में से काट लिया। आप चाहें तो छील के या अलग अलग भी डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज है, जिसे मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, उसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये यखनी में जाएगा और एंड में छन जाएगा, इसको बारीक काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 8 से 10 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने काट के रखा है, जो हम जब पुलाव भगाएंगे उसके अंदर जाए। 1 मीडियम साइज की अनियन है, इसे मैंने बारीक स्लाइस करके रखा है, ये भी जब पुलाव भगाएंगे तो उसमें जाएगा। ये सारा साबुत मसाला है यखनी का, जो यखनी के अंदर जाएगा, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला है। इसमें 10 लौंग, काली मिर्च, सफेद जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है। 1 टी स्पून जीरा मैंने अलग से लिया है, सफेद जीरा। 4 साबुत लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 चिकन क्यूब है। ये सारा वो सामान है जो जब यखनी बनेगी चिकन की उसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जब हम पुलाव को भगाएंगे तो उसमें जाएगा। और यहाँ पे 170 ग्राम दही है, जिसमें से 3-4 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी। तो चलें फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये लजीज पुलाव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ मैंने एक ट्रे पे पतीली रखी है, और उसके अंदर सारी चिकन डाल दी। चिकन डालते साथ ही इसमें ये वाला साबुत सारा मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, ये चिकन क्यूब मैं हाफ जो है वो यखनी में डालूंगी, और हाफ जब पुलाव भगाऊंगी तो उसमें डालूंगी। अभी मैं इसको खोल के हाफ करके इस मसाले के साथ यखनी में डालूंगी। देखिए, मैंने हाफ करके चिकन क्यूब रख ली है। अब ये सारा मसाला हरी यखनी में। अच्छा जी, अब इस यखनी में सारा सामान डालने के बाद हम डालेंगे ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी। एक चिकन के अंदर 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। अगर आप चिकन कम या ज़्यादा करें तो उसी हिसाब से पानी कम या ज़्यादा करें। मैं इतना पानी डालूंगी कि चिकन गल जाएगी, यखनी अच्छे से पक जाएगी और इतनी यखनी बचेगी जिसमें हम चावल पका सकें। और बस अब इसमें बॉयल आने का वेट करूंगी फुल चूल्हा करके। जैसे ही ये बॉयल होगी मैं इसको हाफ कवर करूंगी, पूरा ढक्कन कवर नहीं करूंगी, वरना ये बाहर बहेगी। जब तक पकाऊंगी जब तक चिकन जो है वो 80% गल जाएगी। पूरी चिकन को गलाना नहीं है और हलवा नहीं करना, वरना चिकन पुलाव में बहुत टूटेगी अगर आप जब भगाएंगे तो। देखिए, उबाल आना शुरू हो गया यखनी में। अब मैं इसको कवर करूंगी और चिकन गलने तक पकाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट से ये पक रही है और चिकन बेहतरीन वाली, जितनी 80% मुझे गली हुई चाहिए वो गल गई है, यानी ऑलमोस्ट गल गई है। और यखनी भी उफ क्या खुशबू आ रही, ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब हम चिकन को भगा लेंगे और चावल दम लगाएंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा जी, अब करना ये है कि मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, और अब मैं किसी भी चमचे से या किसी ऐसे चिमटे से आप सारी बोटियाँ इस तरह प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक प्लेट के अंदर पूरी चिकन निकाल के रख ली है, और यहाँ ये यखनी है। आप चाहें तो इस यखनी को पहले से छन्नी में छान लें। मैं डायरेक्ट पतीली के ऊपर छन्नी रखूंगी और पूरी इसमें छान दूंगी जब मैं चिकन भून लूंगी। अब पुलाव भगाने के लिए जो पतीली रखी है गरम होने, ये गरम हो गई है अच्छी वाली। इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑयल, 6-7 टेबल स्पून भर के ऑयल डालेगा इसमें। 6-7 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गरम हो गया। अब ये जो स्लाइस अनियन थी ये इसमें डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए, प्याज जो है वो लाइट, मैं इसको मुसलसल जब से हल्की आंच पे ऐसे चला रही हूँ, ये लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। थोड़ी सी और गोल्डन करूँगी इसको, फिर इस पूरी प्याज को मैं इस तरह से ड्रेन करके इसका ऑयल सारा और एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने प्याज पूरी बाहर निकाल ली है, और अब ये 5 मिनट हवा लगेगी तो क्रिस्पी हो जाएगी। इसको हम ऊपर से पुलाव पर गार्निश करेंगे इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए। ये 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट से डालते हैं, और इसी के साथ ही ये सारी चिकन हमने निकाल के रखी थी। दो मिनट इसको लगभग अदरक के साथ भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे
मैं शुरू में आपको बताना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ, ये ऐड किया, और ये टमाटर और हरी मिर्च है, इसको मिक्स करेंगे भी। हम इसमें 2 टेबल स्पून दही भी ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून दही ऐड करने के बाद हाफ चिकन क्यूब जो बची हुई थी ये ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने पहले 1 टीस्पून ऐड किया था, 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट और ऐड करेंगे क्योंकि चावल में नमक कम होता है, और उसके बाद भी जब हम इसमें चावल डालेंगे तो चखेंगे नमक। अब इसको थोड़ा सा दही के साथ भूनेंगे। ये देखिए मैंने दही के साथ इसको भूना है और 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन ढकूंगी ताकि टमाटर और हरी मिर्च हल्की सी नरम हो जाए, मतलब गले तो नहीं नरम हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है इसको। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढका था, टमाटर और हरी मिर्च थोड़ी सी नरम हो गई है। अब हम अपनी यखनी पूरी इसके अंदर भगा देंगे, छान देंगे। यखनी मैं इस तरह से ये छन्नी रखूँगी, पर आप प्लीज़ ये ना करें क्योंकि मुझे टू मच प्रैक्टिस है, इसलिए उसके बाद मैं ये कर रही हूँ। आप अलग से पहले गर्म यखनी होती है अलग से किसी बर्तन में छान लें, उसके बाद इसमें डाल दें। तो मैं छन्नी रखूँगी और इसमें सारी यखनी छान लूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरी यखनी इसमें डाल दूँगा। इस वक्त आप इसमें नमक चख सकते हैं, अगर आपको बहुत कम लग रहा है तो नमक ऐड कर दें। बस इसके बाद अब मैं इसमें यखनी में बॉयल आने का वेट करूंगी। जैसे ही इसमें बॉयल आता है मैं इसमें राइस डाल दूंगी। राइस में जब बॉयल आएगा तो मैं फाइनल इसका नमक चखूंगी। देखिए यखनी बॉयल होना शुरू हुई है, और बस मैंने ये सारे चावल जो भिगो के रखे थे इसका पानी सारा पसा दिया और ये सारे चावल इसमें डाल दूंगी। बहुत से लोग पुलाव में डरते हैं कि चावल यखनी कितनी हो, चावल कितने हो, कि चावल खिले खिले बने, तो बस देखें इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जहां आपके चावल एंड है ना, ये देखें जब आप चावल डालते हैं तो यखनी कच्चे चावलों से ऊपर इतनी होनी चाहिए कि जब आप ये फिंगर डिप करें तो इतनी यखनी ऊपर हो, बस यहाँ चावल हो और यहाँ यखनी हो। बहुत ज़्यादा यखनी होगी अगर भरी हुई, चावल लाजिम गीले हो जाएंगे। अब मैं लगाऊंगी इसका ढक्कन और उबाल आता है तो फिर आपको दिखाती हूँ जब चावल पकना शुरू। अब खोलेंगे, चेक करेंगे, ये देखें चार ज़बरदस्त चावल पक रहे हैं, और चावल पक रहे हैं लेकिन अभी भी यखनी इसमें थोड़ी है, तो बस इसको फुल चूल्हे पे ही रहने दूंगी। और अगर आपको लगे कि चावल बहुत ज़्यादा जल्दी गल रहे हैं तो आप ढक्कन खोल के फुल चूल्हे पे रखें ताकि यखनी खुश्क हो जाए। अब मैं यखनी ढक्कन खोल दूंगी इसका, और 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल दम पे आ जाएंगे, बस फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, दम पे रखते हुए मैं इसमें थोड़े से ड्रॉप्स केवड़ा वाटर डालूंगी, ऑप्शनल है। इसमें जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं इसकी शक्ल को खूबसूरत बनाने के लिए, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ऐसा भी अच्छा लगता है, बिना जर्दे के रंग का भी अच्छा लगता है। तो बस आज तो मैं कलर नहीं डालूंगी, केवड़ा डालूंगी इसमें। हाँ, थोड़ी सी जो गोल्डन ब्राउन प्याज करके रखी थी वो भी ऐसे डाल सकते हैं, वैसे सर्व करते हुए डालें तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसको कवर करके 7 मिनट दम दूंगी। अब मैं इसको कवर करूंगी, इसके नीचे स्टैंड लगाऊंगी या तवा लगा सकते हैं आप। ये देखें ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है। अब मैं सर्व कर रही हूँ चावल, आप लोग देख सकते हैं किस तरह एक एक चावल अलग अलग है। अब ये जो गोल्डन प्याज डाली थी, इस तरह जब आप सर्व करें स्प्रिंकल कर दें गोल्डन प्याज। गाइस ये थी ज़बरदस्त सी क्विक और इजी पुलाव की रेसिपी, यखनी पुलाव कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें इस रेसिपी को, और ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, नीचे कमेंट्स में आके फीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमारे अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जाके देखिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें इसको। अल्लाह हाफिज़।